से बोला कि जब से दादा आए हैं तब से मम्मा को सब भूल गए हो तुम लोग, तो बोलता है हमको कि मम्मा दादा तो अभी 2.5 महीने में चले जाएंगे, तुम तो यहाँ हमेशा रहने वाली हो, तो अभी हमको दादा के साथ प्यार कर लेने दो। समीर को एक ही प्रॉब्लम है, अकेले कहीं जाते हैं ना तो कोई इनको रोक लेता है, पूछता है वेरी जो पेरेंट्स, इनका दिमाग खराब हो जाता है, मेरा भी दिमाग खराब हो जाता है। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द ब्लॉग। पापा के रहते हुए मैं चाहता हूँ कि डेली यहाँ पे ब्लॉग बनाऊँ, सारा कैप्चर करूँ एज ए मेमोरी, बड़ा मुश्किल हो जा रहा है टाइम की वजह से। कि दो हैबिट यहाँ पे बहुत अच्छी लग रही है, तो सुबह एक्सरसाइज करना और खाना बहुत कंट्रोल करके खाना। लोग की अपार्टमेंट का जिम है और ये देखिए। और प्रधान जी कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है। हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि आपको आदत हो गई है सुबह एक्सरसाइज करने की, और अपने ग्रुप को आप मिस कर रहे हैं गांव में। पापा का गांव में अपना एक ग्रुप है जो सुबह ये लोग 5 बजे उठते हैं एंड सब लोग चले जाते हैं बाहर एक्सरसाइज करने, एंड फिर 2 घंटा उधर एक्सरसाइज करते हैं, बात करते हैं, तब घर आते हैं। तो बहुत अच्छा हैबिट कर लिए हैं। आज हम लोग का प्लान था कि डाउनटाउन घूमने जाएंगे, सिटी का स्काईलाइन देखने और वहाँ पे बाइकिंग भी करेंगे, बट मौसम गड़बड़ हो गया है और होने वाली है रेन 1 घंटे बाद। तो बाकी चलो नज़दीक में घूम के आते हैं। तो नज़दीक में एक सिटी है अर्लिंगटन, उसके आसपास अच्छा बाइक लेन है, अच्छा पॉन्ड है, पार्क है। अर्लिंगटन जो भी है यार, अब हम ज़्यादा उस पर बात नहीं करेंगे प्रोनाउंसिएशन पर। अर्लिंगटन ARLINGTON, ओके, जो भी उसका नाम है, स्पेलिंग बोल दिया। तो वहाँ चलेंगे, बाइकिंग करेंगे, पान के आसपास थोड़ा घूमेंगे एंड देन आएंगे घर पे। सो आप लोग बताइए सबका दिन कैसा रहा? अच्छा। ना बहुत बहुत अच्छा। सारा काम किया आप लोग रीडिंग का? आई विल कम होम एंड कम बैक एंड चेक करूँगा आप लोगों ने कितना काम किया है। ओके ओके हाँ, कपड़ा जैसे बनाए हैं बट्टू है सर, बहुत पुराना डिजाइन, ये सब डिजाइन ना आपको नहीं नहीं अब अमेरिका में नहीं, ये पुराने घर हैं बहुत, सब पुराना डिजाइन है। हाँ। और ये देखिए जो नया घर बन रहा है ना, ये इस डिजाइन का बन रहा है ये वाले, तो ये आसान पड़ता है बनाना। हाँ, हाँ। अब ये सब ना, ये घर बहुत पुराने हैं, डिफिकल्ट है बनाना, कॉस्टली भी है। हाँ, सही था। नहीं नहीं ये पुराना है पापा। अच्छा अच्छा। हाँ, नरिया थपुआ नहीं है, बस ऊपर वैसा दिख रहा है। हाँ, घर है ना, इसका नीचे ईंट से दीवार बनाया है। चलिए अभी हम लोग आ गए हैं स्पाई पॉन्ड एयरलिंगटन एरिया में, के पास में ही है इधर, बड़ा सा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। सब पार्क है यहाँ पे पर बच्चों का, एक वॉक करने के लिए बनाया है, यहाँ छोटा सा बीच भी है। और बताइए गाइस, सो गुड, वेरी फैमिलियर प्लेस। चलिए आइए। मस्त ऐसे लग रहा है कि नया बनाया है ट्रैक अभी यहाँ पे। ये देखियो बाइक लेके चला गया। पापा यहाँ पे सिटी के बीच में इतना बड़ा पॉन्ड, इसमें फिशिंग भी कर सकते हैं, मछली मार सकते हैं, बोट चला सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, सब कुछ करने के लिए। अब पानी काफ़ी काफ़ी क्लीन है इसका पानी। हाँ, और शहर में देखिए, शहर के बीच में एकदम थोड़ी भी गंदगी नहीं है। ये ना बाइक लेके ट्रेल पे जाना चाह रहा है, इसीलिए ऊपर खबर इस पत्थरों पे चढ़ा रहा है। समर चलेंगे किसी दिन ट्रेल पे बेटा, चलेंगे, चलो आ। देखिए यहाँ पे क्रॉसिंग का बनाया है, देखिए कितना सुंदर क्रॉसिंग का बनाया है, जो हम लोग को वेट करना है जाने के लिए।
और वो देखिए ना वहाँ पे छोटा सा कैमरा लगा हुआ है जहाँ पे लिखा है ना वेट फॉर ग्रीन, वहाँ पे कैमरा है, वो कैमरा हम लोग को देख लेगा यहाँ पे कि साइकिल वाले लोग वेट कर रहे हैं तो क्रॉस के लिए सिग्नल देगा, और यहाँ पे कोई नहीं रहेगा तो देर तक सिग्नल नहीं देगा। ये देखिए मस्त बाइक का सिग्नल दिया है। इसके बाद हम लोग अनदर एरिया में आ गए हैं, यहाँ का वन ऑफ द फेमस L5 स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन है, और हम लोग यहाँ आ गए। ये ब्लू बाइक एक कंपनी है और ऐसे ही पूरा स्टेशन बनाई है बोस्टन में हर जगह, और आप इसका मेंबरशिप ले लीजिए क्रेडिट कार्ड या पैसा देके स्टेशन से, और एक बाइक आपको खोल देगा, और फिर जा चलाइए और वहाँ पे जो स्टेशन है वहीं पे पार्क करके आप चले जाइए, तो आपको कहीं इसको लेके जाने की ज़रूरत नहीं है और पूरे बोस्टन में बाइकिंग कर सकते हैं। या कोई पर्सन आता है कि कहीं दूर से स्टेशन पर उतरे, स्टेशन से इस बाइक को ले और फिर दूसरे स्टेशन पे जाके उसको पार्क करके वहीं से वो निकल जाए। पूरे बोस्टन में चारों तरफ सिटी में आपको चारों तरफ मिलेगी। हाँ बहुत सुंदर है। एक बार हम लोग आए थे 7-8 साल पहले, तो मैं और कंचन इसी से पूरा बोस्टन घूमे थे। क्या आँख में कुछ लग रहा है तो बोल रहा है कि कोई यहाँ पे इंडियन पीपल है, कुछ बना रहा है, ओनियन वगैरह कट कर रहा है। हाँ इंडियन पीपल जब भूजते हैं ना तभी आँख में लगता है। से टैंक खरीदा है ना, क्या कर रहा है बताओ। पावर। हम डंबल खरीद के घर रख देते हैं, ठीक है। ये छोटा सा स्टेशन बनाया है बाइक को रिपेयर करने के लिए, यहाँ पे पेचकस और ये सब रखा है, हवा भरने के लिए सब रखा है, तो यहाँ पे आके बना सकते हैं। आ गए हैं वन ऑफ द वेरी फेमस L5 मेट्रो स्टेशन है, जहाँ पे कम्यूटर रेल आती है और यहाँ से मेट्रो स्टेशन बहुत सारी शटल चलती है, तो लोग ये बहुत बड़ा जंक्शन की तरह है ये। उधर बाइक पार्क करो के बीच में जितना जो कुछ है ना नेचुरल, जितना जैसे है वैसे ही थोड़ा सा बना के रखते हैं। तो देखिए बना दिए वॉक करने के लिए, एकदम सुंदर सा, ये अपने कमल की तरह ही है बट ये अलग है, कमल नहीं है, कछुआ है। देखिए हाय गाइस, सो द बेस्ट पार्ट अबाउट द एनिमल्स दैट शुड हैपन इन ह्यूमंस इन अमेरिका दैट दे डोंट से वेयर इज योर पेरेंट्स, या एनिमल आर मोर केयरिंग। Yes. मर समीर को एक ही प्रॉब्लम है, अकेले कहीं जाते हैं तो कोई इनको रोक लेता है, पूछता है वेरी जो पेरेंट्स, इनका दिमाग खराब हो जाता है, मेरा भी दिमाग खराब हो जाता है। वो कमल, कमल और बेर्रा भी ऐसे ही तो फल की लटक जाता है, फूल की, फल के बाद। क्रेन है, यू सी दैट, सारस की तरह है पंछी, इसका नाम क्या है भूल गया मैं। पानी ना, हाँ हाँ पानी नहीं है ज्यादा। घूम के उधर ही जा रहे हैं। नो नो, ये ट्रेल कनेक्ट नहीं हो रही है। अरे बट ये बाइक चलाने वाली नहीं लग रही है, प्रॉब्लम ये है। इधर आ गई। और देख रहे हैं जहाँ से आए हैं वहीं से शुरू हुई है, कितना फास्ट गई है। और ये लोकल पैसेंजर ट्रेन है जिसको लोग लेके डेली काम करने के लिए बोस्टन में आते हैं। So, we took a vlog and that vlog made my heart beating. Vlog या ट्रेन? Train. अरे आप दादा, आप भी शुरू हो गए? नहीं इससे नहीं। ये बहुत अच्छा प्लेस है, यहाँ पे एक पिक्चर ले लेते हैं। रुक जाओ गाइस, आ गए हम लोग अर्लिंगटन के मेन मार्केट एरिया में, अभी काफ़ी ब्यूटीफुल है, जो हम लोग वेलमोंट गए थे उसी की तरह भी है। चलिए आगे चलिए, आगे चलिए, आगे चलिए। आराम से ना ही हो। सो अर्लिंगटन का मेयर मार्केट है, ये भी काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है, रेस्टोरेंट वगैरह है, कैफ़े है, ये थाई रेस्टोरेंट है,
और ये कोई दुकान है आइसक्रीम की, यहाँ पे चल रहा है टेस्ट करने। All this corn fresh from there. Yeah. Huh? Yes. See. See. And there is one. See. Smoothie. And then make it cold. So that's fresh. Yeah, that's fresh. It's good. That's good. Yeah. Oh, okay. ईट का बना के चिपका दिया है पतला पतला, ठीक है। आइसक्रीम खाने में मजा आता है। ये आइसक्रीम नहीं है, इसको बोलते हैं फ्रोजन योगर्ट। भयानक बारिश आ रही है, हाँ शुरू हो गई गाइस, जल्दी आओ। होली मोले, हो गई शुरू हो गई एकदम। हम लोग राइट टाइम पे पहुंचे हैं, अभी बारिश शुरू हो गई। सो कैसा रहा गाइस बाइकिंग? Yes. समीर का हो गया कि दाल राइस रोटी खाना है, रोटी डेली चाहिए समीर को। दादा के आने के बाद शुरू किया है ज्यादातर, या पहले से शुरू कर दिया था? हाँ, दादा के साथ और कंपनी मिल गई है, चिकन राइस, दाल राइस रोटी का है, सलाद है, अचार है। मेरी सिस्टर ने बना के भेजा है। नहीं भाई, वेट कीजिए, क्या रूल है? लड़के से बोला कि जब से दादा आए हैं तब से मम्मा को सब भूल गए हो तुम लोग। तो बोलता है हमको कि मम्मा दादा तो अभी ढाई महीने में चले जाएंगे, तुम तो यहाँ हमेशा रहने वाली हो, तो अभी हमको दादा के साथ प्यार कर लेने दो, उसके बाद तो हमेशा करेंगे ही। और आज अभी बाइक के बारे में बोल रही है कि ये डेली बाइक नहीं कर पा रही है साथ में, तो यही बोल रहा है कि डोंट वरी मम्मा, तुम तो ज्यादा दिन रहने वाली हो। यू गुड। Yes, I'm happy. In one